हैकर्स का सब सभी लोग वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं हाउस फ्लिपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी तो मैं अपने इस छोटे से हाउस पर ऊपर लास्ट टाइम आपने देखा था कि इसको मैंने पेंट कर दिया था बाहर से और थोड़ा भी बेहतर लग रहा है पहले के मुकाबले। और देखा जाए तो अभी और काम करना है इसमें, पर आराम आराम से करेंगे। चलो सबसे पहले तो आज बहुत ही अच्छा मौसम है, ब्राइट और सनी डे है, तो कुछ नए काम की तलाश के लिए चलते हैं फटाफट से। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर लैपटॉप में देख लेते हैं, यहाँ पर मेल है। ब्राउज में अपने पास एक पहले से ही एक हाउस खरीदा हुआ है, पर उसको रिपेयर नहीं करेंगे हम लोग। मैं सोच रहा हूँ कि आज क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट काम करें। एक तो ये है, वेलकम टू सनसेट बे। देखते हैं कि इसमें हमें आज क्या क्या काम मिल सकता है। ओके, ये दोनों जन यहाँ पर रहते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, एक अपने पास ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पर मेल्स आए हुए, बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स है। तो यहाँ पर एक माइकल नाम के बंदे ने भेजा है, सेव मी फ्रॉम दोज हॉरिबल कलर्स। चलो एक काम करते हैं, आज इसका काम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेंडिंग लोड ज़्यादा है तो हमें जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। सो लेट्स गो। वेल गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ उस माइकल के घर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि घर बहुत नीट एंड क्लीन रखा है बाहर से, और गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो चलो सबसे पहले तो अंदर चलकर देख लेते कि हमें क्या करना है। वेट यार, लाल कलर कौन करता है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते क्या काम मिलता है हमें। यहाँ पर लिखा है पेंट विथ कलर्स लेमन। ओके, लेमन कलर में हमें इसको पेंट करना है। और ये यहाँ पर बंकर है, तो बंकर में भी शायद कुछ करना है फिर। ओके, नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है, बंकर को एज इट इज ही रहने देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसको कर दिया मैंने क्लोज। और ये साइड पर है बाथरूम, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर है, वेट, एक बेडरूम है, यहाँ पर भी हमें एक ब्लू कलर का पेंट करना है, टास्क आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, सब डोर को क्लोज कर दे। सर यहाँ पर है किचन और ड्राइंग रूम, यहाँ पर ब्राइट पीच कलर से हमें पेंट करना है पूरे इस घर को। मतलब कि कुछ हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पर पेंट का ही काम है। और यहाँ पर भी ब्राइट पीच करना है, तभी हम, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेंट करना। सबसे पहले तो ये रहा बकेट, और इसमें भी अपने को अभी तीन ऑप्शन मिल सकता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। फिलहाल तो मैं स्मॉल बकेट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये रूम छोटा है और ये वाला कलर बाद में दूसरी जगह पर हम पेंट के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, फटाफट हो रहा है इसलिए टेंशन की बात नहीं है, शायद एक ही बकेट में अपना सब काम हो सकता है। देखते हैं क्या होता है आगे, अगर कम बचेगा तो हमें न्यू बकेट परचेस करना होगा, पर ट्राई हम लोग करेंगे कि हमें न्यू बकेट परचेज ही ना करना पड़े। और इसके साथ हमने हाफ रूम कंप्लीट कर दिया है। चलो अभी थोड़ा ही पार्ट है तो इसमें कुछ टाइम लगने वाला है नहीं, फटाफट पेंट वाला ये काम ख़त्म कर देते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ओके चलो डन। घर अभी चमकने लग गया है ये पेंट चेंज करने से ही। और इसी के साथ ये वाला रूम भी हो चुका है डन, बहुत ही बढ़िया। अभी जो जितने भी पेंट बकेट्स हैं उसको मैं यहाँ पर ही रखूँगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। बाथरूम में तो चलो कुछ करना नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर है स्लीपी ब्लू कलर का पेंट करना है, जो कि ये रहा। इसमें हम मीडियम साइज लेंगे, रूम थोड़ा बड़ा है तो भी कलर बचेगा। अगर स्मॉल लेते थे तो हो सकता था कि अपना पेंट जो है वो थोड़ा कम गिर जाए। चलो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से काम स्टार्ट कर रहे फिलहाल। ओके चलो एक बार रिफिल कर लेते हैं और यहाँ से फिर से पेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये हो चुका है डन। अब बारी है इस अंदर वाले सेक्शन में, आराम आराम से पेंट करेंगे। ओके चलो ये हो चुका है,
वेट, यहाँ से भी एक डोर है। ओके, बैक यार्ड का है लगा, ये वाला रूम ही चेक नहीं किया है, पर चलो कोई बात नहीं, ये हो चुका है फाइनली स्टार्ट यहाँ पर पेंटिंग का काम। फाइनली गाइस ये पेंट अच्छा लग रहा है इस बंदे को, ब्लू कलर का उसने जो कॉम्बिनेशन दिया था वही हम पेंट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर पेंट ऑलमोस्ट हमने 70% कंप्लीट कर दिया, अभी सिर्फ और सिर्फ 30% है, उसमें भी हम लोग बिना टाइम पास किए फटाफट स्टार्ट करेंगे। ये रूम हो चुका है ऑलमोस्ट डन, इस बकेट को ले लेते हैं यहाँ से और प्लेस कर देंगे हम इसके साथ। ओके, बढ़ते हैं इस किचन और ड्राइंग रूम की ओर, यहाँ पर लाइट पीच कलर पेंट करना है। ओके, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको पेंट करना बिना किसी टाइम पास किए। फाइनली गाइस किचन वॉल पेंट हो चुकी है और पूरा लुक चेंज हो गया अभी किचन का, कस्टमर को बहुत ही पसंद है। अगर इसी के साथ कंप्लीट द जॉब का टास्क आ चुका है, पर हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा काम सिर्फ 50% हुआ है और उसके बाद अपना रिव्यूज थोड़े कम हो जाएंगे, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। फिलहाल मुझे कोई फर्नीचर को यहाँ से हटाना नहीं और पेंट करना है, अगर मैं हटाऊँगा तो मुझे फिर से एज इट इज़ रखना होगा, तो मैं आराम आराम से पेंट करता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये चलो हो चुका है डन, अब बारी है नीचे वाले पार्ट में। फाइनली गाइस अब तक हमने $4,291 ले लिए है इतने से काम के, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ नहीं सिर्फ पेंट करना है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम लोग 6,000 के प्लस जाएंगे शायद ये वाले जॉब में, देखते कितनी इनकम होती है आगे जाकर पता चल जाएगी। और इसी के साथ ये वाला रूम भी ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट, चलो फाइनल डन। ले लेते हैं बकेट यहाँ से और प्लेस करते हैं यहाँ पर बाहर, और यहाँ पर भी देखते हैं ब्राइट पीच, और यहाँ पर भी हमने ब्राइट पीच ही किया था, तो यही कलर यहाँ पर हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो भी एक बार देख लेते कि हमने कौन सा परचेस किया था लास्ट टाइम, यस ब्राइट पीच ही किया था, तो बहुत अच्छी बात है, अपना कलर फिर से यूज़ हो जाएगा। पेंट बकेट बाद में हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल साइज़ के मंगाएंगे ताकि पूरे हॉल में या फिर इस रूम में कम्प्लीटली हो जाए। चलो फटाफट बढ़ते हैं और सीधे लास्ट रूम है, उसके बाद ये हो जाएगा ऑलमोस्ट डन। और ये रूम है किड्स रूम और इसमें कलर भी वैसा रखा है, एकदम ग्रीनिश टाइप का है। चलो कोई बात नहीं, हो चुका है फाइनली डन। यार मुझे ऊपर जाना था, चलो हो गया कंप्लीट, सही है। यार मैं यहाँ पर तो पेंट ही नहीं कर सकता हूँ क्या? ओके हो गया, चलो एक बार रिफिल करवा लेते हैं। और यहाँ पर बकेट हो गई अपनी एम्प्टी,
इसको हटा देंगे और एक न्यू बकेट हम लोग ले लेंगे यहाँ से। ऑल राइट, ये न्यू बकेट आ चुकी है। फटाफट पेंटिंग स्टार्ट कर दे यहाँ से। फाइनली गाइस, ये रूम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है। सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन पार्ट है और ये हो चुका है कंप्लीट डन। और इसी के साथ हमारा जो जॉब था ये हो चुका है कंप्लीट। मुझे अब तक इनकम हो चुकी है 6,311 रुपीस, जो कि बहुत ही अच्छा है। चलो एक बार ये फाइनलाइज कर ले। तो ये रहा बिफोर आफ्टर इमेजेस, नीट एंड क्लीन काम हुआ है अपना इस बार, बेहतर ऑप्शन लग रहे सब जगह पे। फाइनली गाइस, हम फिर से आ चुके हैं हमारे इस छोटे से घर पे और उसमें से अभी दूसरा टास्क देख लेते हैं क्या है। और ये लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। नेसेसरी एक्स्ट्रा बाथरूम, ओके, इनको एक बाथरूम बनाना है तो इसमें शायद हमें कुछ वॉल्स को डैमेज करनी पड़े या फिर न्यू वॉल्स क्रिएट करनी पड़ सकती है। तो चलो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि हमें एग्जिट करना क्या है। फिलहाल हाउस तो बहुत ही बड़ा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, एकदम साइलेंट है। चलो चलते हैं अंदर फटाफट और देखते क्या है। मॉडिफाई द रूम्स लेआउट, ओके, ये वाली वॉल पूरी की पूरी हमें डिस्ट्रॉय करनी है। तो चलो स्टार्ट कर ले डिस्ट्रॉय करना फटाफट से। मुझे आइडिया लग गया था कि एक एक्स्ट्रा बाथरूम बनाना है, तो थोड़ा सा तो डैमेज करना ही होगा। चलो ये हो चुका है कंप्लीट। ये वाला जो डोर है उसको अपन सेल आउट कर लेंगे ताकि फटाफट अपना काम आसान सा हो जाए। और यहाँ पर इतनी सी एक वॉल है, इसको भी मैंने तोड़ दिया फाइनली। और अब मुझे तोड़नी है ये वाली वॉल। चलो फटाफट इसको ब्रेक कर देते हैं ताकि अपना काम जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। चलना है, ओके, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। पीछे के साइड पे एक डोर है ये वाला, और यहाँ से मुझे सबसे पहले तो सेल ऑब्जेक्ट्स है, ये दोनों शेल्फ को मुझे निकाल देना है। और उसके बाद ये ले वॉल टाइल्स, सिरामिक और फ्लोर टाइल्स, ओके, ये रही फ्लोर टाइल्स। सबसे पहले ये प्लेस कर देते, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और ये हो चुका कंप्लीट, बहुत बढ़िया। अब बारी है वॉल टाइल्स, दो पैटर्न है तो हमें सोच समझ कर लगाना होगा। चलो दोनों को मैंने फिलहाल तो यहाँ पर प्लेस कर लिया है। टोटल मुझे हर एक में से अच्छे से यूनिक चीज़ दिखे वो हिसाब से लगाना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये वाली वॉल में सिंपल यही रख देते हैं ताकि थोड़ा यूनिक भी लगे। ये हो चुका है डन। चलो चलो फाइनली एक वॉल पर तो लग चुकी है। अभी मेरे पास 5 है अवेलेबल, तो 5 को फिलहाल यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ। 2 यहाँ पर हो जाएगी और 1 यहाँ पर फुल्ली लग जाएगी। सही है, एक को यहाँ पर ऊपर लगा देते। चलो कंप्लीट।
बारी है। चलो और एक है मेरे पास, उसको फिलहाल कहीं पर जगह नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, काम करते हैं इसको, यहाँ पर सेट कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ये वाली टाइल्स को लगाना यहाँ पे, वॉल टाइल्स में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि सिर्फ इसको चिपकाना होता है। कुछ केमिकल से ये बंदा चिपका रहा है। फाइनली गाइस, ये लगता कम गिरेगी अपने को टाइल्स, तो हमें और एक एक पैक मंगाना पड़ेगा। एक पैक में 15 टाइल्स होती है, तो वही हिसाब से मुझे अभी ऑर्डर प्लेस करना होगा। चलो कोई बात नहीं, और ये हो चुका है डन। फिर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं दूसरा लगाना। चलो कंप्लीट। फिर से ये वाला एक पैक ले लेते हैं और इसको फिलहाल मैं ये वाली वॉल कंप्लीट कर देता हूँ। चलो डन, सिर्फ मुझे ऊपर प्लेस करना है। गाइज आप एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट्स भी दे दीजिए। चलो डन, अब बारी है सेकंड वाली डिज़ाइन परचेस करने की, और ये वाली टाइल्स को भी फिलहाल मैं सेल आउट कर देता हूँ। चलो फिलहाल मेरे पास एक टाइल्स है, वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके ऊपर हम लोग रिप्लेस करेंगे ये वाली टाइल्स से। चलो स्टार्ट। फाइनली 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 ये हो चुका है डन। अब करते हैं सब इंस्टॉलेशन स्टार्ट। मुझे सबसे पहले ये अनस्क्रू करना होगा। यहाँ पर शायद से सिंक आएगा, यहाँ पर है टॉयलेट और ये है शावर। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शावर से। शावर अभी बहुत नए डिज़ाइंस भी आ गए हैं, तो अभी देखते हैं हम कौन सा ले सकते हैं, क्योंकि स्पेस भी हमें देखनी होगी कि कहाँ पर लग सकता है ये शावर। वेल, ये वाला शावर तो यहाँ पर लग नहीं रहा है। चलो दूसरा कोई देखते हैं। चलो ये वाला लग जाएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो करते हैं इसको असेंबल। फाइनली ये हो चुका है डन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हो गया क्लोज, दोनों साइड से ओपन क्लोज हो रहा है। अब बारी है टॉयलेट, इसको भी मैं प्लेस कर दूंगा। ये वाला इस बार लेते हैं, थोड़ा यूनिक सा। इसको करते हैं असेंबल, यहाँ इसमें तो स्क्रू लगाना है। चलो कोई बात नहीं, और ये हो चुका है डन। अब बारी है एक सिंक ये वाला रखते हैं, क्योंकि बाथरूम में भी थोड़ा ब्लू शेड है तो मैच हो जाएगा। चलो फटाफट से करते हैं इसको असेंबल। अभी सिर्फ ड्रेन पाइप है और इसको इंस्टॉल, ये भी चलो फटाफट हो गया। इसमें भी लाइट्स है, सही है। अब बारी है एक मिरर, और लास्ट ऑब्जेक्ट है ये इस गेम का, ये मिरर। उसको मैं प्लेस कर दिया यहाँ पे, और इसी के साथ अपना जॉब ऑलमोस्ट कंप्लीट। चलो इस जॉब को यहाँ पर कंप्लीट कर दे और देखते हैं बिफोर आफ्टर इमेजेस। सो लेट्स गो। हमने सिर्फ चेंज करना था, थोड़े से वॉल्स तोड़े हैं, और सिर्फ एक बाथरूम हमने अच्छे से नीट एंड क्लीन डेवलप किया है। और फाइनली गाइस, ये हो चुका है डन, और देखते हैं अभी फिलहाल अपने पास बैंक बैलेंस कितना आ चुका है।
152,252 डॉलर्स, बहुत ही बढ़िया। अभी एक बंकर का जॉब हाई प्रायोरिटी में, तो चलो इसको थोड़ा फटाफट कर गया थे। बंकर में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, सिंपल ही होता है। हाँ, पर एक है कि उसमें बहुत कचरा होता है, कूड़ा फेंका हुआ रहता है, तो ये सब चीज़ हमें देखना। और ये सामने ही है बंकर वाला सीन, मुझे सब कुछ यहाँ से हटाना होगा। रिमूव यूज टूल फ्लेम थ्रोवर टू रिमूव ट्रैश। ओके, कुछ नया ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है। ओके, चलो ये सब चीज़ मैं आराम से चला सकता हूँ, फटाफट अपना काम भी कर सकता हूँ। मुझे रिफिल भी करना पड़ेगा इसको। चलो साइड थोड़ा सा है, चलो कंप्लीट। अभी देख लेते हैं कहां पर है, और वेट यहां पर है, तो मैंने थोड़ा रिमूव कर दिया है। बाकी यहां पर तो कुछ है नहीं, पर अंदर लग रहा है कि बंकर बहुत ही बड़ा है, या फिर जेल जैसा कुछ है, क्योंकि चारों साइड फेंसिंग लगा और यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब कोई रहता नहीं है आसपास। मतलब ये शायद गवर्नमेंट प्रिजन हो सकता है जो कि बंद पड़ा हुआ है। चलो एक बार देख लेते, चलो इसको फटाफट से तोड़ देते। इसमें तो कुछ ज्यादा टाइम लगने वाला है, हो चुका है डन। अभी क्या मैं इसको उठा सकता हूँ? वेल, इसको मैं नहीं उठा सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसको फटाफट से अभी स्टार्ट करते हैं। दो ढेरे, एक वहाँ पर एक यहाँ पे, तो चलो इसको मैं फटाफट से हटा देता हूँ। तब तक आप इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो जितना हो सके उतना, क्योंकि इस चैनल को सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। और ऐसे इंटरेस्टिंग गेमिंग कंटेंट आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। फाइनली गाइस, एक टेर मैंने पूरा हटा दिया है, अब बारी है नेक्स्ट वाले की। चलो इसको, ये तो छोटा है, उसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। फटाफट इसको मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट, फाइनली गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से पूरा ढेर मैंने हटा दिया है, सिर्फ लास्ट पार्ट है, और इसको भी मैंने निकाल दिया है। अब बारी है क्लीन द डर्ट। चलो ये सब क्लीन करते हैं फटाफट, कि बहुत टाइम से ये बंद पड़ा है, इसीलिए थोड़ा गंदा सा हो गया है, पर कोई बात नहीं, सब हम लोग क्लीन कर देंगे। और वॉल्स पे भी जितना भी टैटूज है सब कुछ मैं निकालना होगा। चलो सही है, अच्छे से एक बार क्लीन हो चुका है। अभी सिर्फ ये साइड पेंडिंग है, इसको भी क्लीन कर देते हैं। और रिमूव डर्ट सिर्फ और सिर्फ 72% दिखा रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, एक बार अंदर चलते हैं। अंदर तो बहुत ही खराब सिचुएशन होगा। यस, चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर कुछ लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, काम करते हैं। चलो फटाफट से इस गन से सब चीज़ को रिमूव करना स्टार्ट करें। छोटी चीज़ को तो मैं इस गन से ही निकालूंगा, ताकि फटाफट निकल जाए। चलो
साहब अभी बारी है डर्ट को क्लीन करने की। और लिखा है रिपेयर फ्यूज बॉक्स। अभी फ्यूज बॉक्स मुझे ढूंढना है। वेट यहाँ पर है, चलो इसको फटाफट असेंबल करते हैं। ऑल राइट, ये फ्यूज ऑन हो चुका है और ये रूम भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट रूम में और यहाँ से भी सब डर्ट निकालना है। तो एक काम करते हैं, ग्लोगन से ही हम फटाफट ओके। और इसी के साथ एक न्यू सिल्क स्किल पॉइंट से यहाँ पर क्लीनिंग करते हैं स्टार्ट। वॉल्स पर भी यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है तो ये सब कुछ मुझे क्लीन करना है। सबसे पहले तो फ्लोर क्लीन कर लेता हूँ ताकि कहीं पर भी कुछ छूट ना जाए। ओके, सिर्फ और सिर्फ बीच का पार्ट बाकी है और फ्लोर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से सबसे पहले लाइट्स को ऑन कर दो, पर हो नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ पर थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट्स बाय करने, पर ये बाद में हम बाय करेंगे। तब तक एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्लीनिंग काम कर लेते फटाफट से। बाद में जितना ऑब्जेक्ट्स हमें रिमूव करने होंगे वो रिमूव कर देंगे बिना किसी टेंशन के। चलो कंप्लीट, अब बारी है रिमूव ऑब्जेक्ट्स में है रिमूव ट्रैश। ओके चलो निकाल लिया सबका सब। और अब बारी है माउंट डिवाइसेस। ओके चलो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो एक है ये हैंगिंग डिवाइस, चलो इसको सबसे पहले मैं लगा देता हूँ। और इसका जो पानी का पाइप था वो शायद लीक हो चुका है तो मुझे जल्द से जल्द इसको रिपेयर भी करना। ओके चलो हो गया रिपेयर, बहुत बढ़िया। चलो कंप्लीट, अभी तो सिर्फ ड्रेन पाइप लगानी है और ये भी हो चुका है डन। चलो इसको स्टार्ट करने के बाद लगा देते। और अभी है एक टॉयलेट प्लेस करना है हमें, चलो यही लगा देते, वो लग जाएगा यहाँ पे। चलो करते हैं असेंबल। ओके चलो डन। अभी सिर्फ यहाँ पे थोड़ा पानी गिरा है उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। चलो कंप्लीट, बाथरूम हो चुका है अपना डन। चलो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर थोड़े बहुत सामान हमें रखने हैं, चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो दो ये बड़े से टेबल रखने हैं हमें। चलो एक यहाँ पर रहेगा और दूसरा सेम टू सेम रखेंगे, उसके पैरेलल मतलब बाजू में ही रख देंगे। कंप्लीट, अब बारी है 10 चेयर की। चलो एक के बाद एक इसको भी रखते हैं, यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे। एक दो चार पाँच, ओके पाँच हो गई है। दूसरी फाइव को मैं यहाँ से प्लेस करूँगा। एक काम करते, तब तक इस टेबल को सबसे पहले सेट करते, एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल जैसा, ताकि अपने को भी पता चल जाए कि कितना स्पेस ये लेगा। ओके चलो डन। और अभी फाइव चेयर्स दूसरी यहाँ पर हम रखेंगे, इसको मैं कर देता हूँ रोटेट एक बार। और चलो करते हैं लगाना स्टार्ट। एक दो और एक चेयर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर प्लेस करूँगा। चलो बढ़िया, अब बारी है दो सोफा चाहिए तो ये तो वाइट लेग्स में रखूँगा मैं। इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर पीछे की साइड, एक यहाँ पर और एक जाएगा यहाँ पर। चलो अब बारी है दो वुडन डेस्क की। ओके अच्छे से,
दूसरे वाले को यहाँ पर प्लेस कर देते साइड में। एक काम करते हैं, यहाँ पर साइड पर लगा देते, क्योंकि वहां पर तो रास्ता है टॉयलेट का। अब बारी है वॉल माउंटेड टीवी। दो टीवी लगाना है, तो एक तो यहाँ पर ही लग जाएगा अच्छे से, और दूसरा लग जाएगा यहाँ पर लगा देते, कोई बात नहीं। दोनों में ऑन कर देते, और यहाँ पर हाउस फ्लिपर के लग्जरियस फ्लिपर वाला एडिशन आ चुका है, तो यहाँ पर एडवर्टाइज हो रही है, चलो कोई बात नहीं। और 10 गन्स रखनी है हमें, उसको तो यहाँ पर प्लेस नहीं कर पाएंगे टेबल पे, तो रखनी कहाँ पर है मुझे, ओके दीवार पर रखनी है। एक बारी है 4 लैंप लगाने की, तो चलो एक तो लगेगा सबसे पहले यहाँ पे, दूसरा लगाते हम लोग यहाँ पे, तीसरा लगाएंगे यहाँ पे, चौथा लगा देते हैं 1 2 3, चौथा यहाँ पर लगा देते। चलो कंप्लीट, एक बार लाइट्स को करते हैं ऑन, और इसी के साथ बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है, चलो सही है। अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूम में, और यहाँ पर भी बहुत सारा सामान है। सबसे पहले तो रिमूव ट्रैश करना है, ओके ये सब चीज़ हम सेल नहीं कर सकेंगे, चलो कोई बात नहीं, ट्रैश को सिर्फ हमें रिमूव करना है। चलो ये सब सामान ऐसे का वैसे ही रहेगा, नो डाउट। और यहाँ पर भी ये थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, पर इसको यार हटाना क्यों है, रखा ही अंदर क्यों था तुम लोगों ने। फाइनली ये ऑलमोस्ट 50% रख चुका है, सिर्फ थोड़ा सा है पर टाइम लगेगा नहीं। चलो ये हटा दिया ऑलमोस्ट यहाँ पे, और और ये भी हट चुका है ऑलमोस्ट, चलो बहुत बढ़िया। लेते हैं सेकंड वाले को, ये तो छोटा है इसलिए इसमें टाइम लगने वाला है नहीं, चलो फटाफट। चलो ये भी हट चुका है, अभी सिर्फ थोड़ा सा साफ सफाई करना है, चलो करते हैं स्टार्ट। जितने भी डर्ट है हमें सिर्फ वो ही निकालनी है, बाकी की ऐसे ही ऐसे। और इसी के साथ एक न्यू स्किल पॉइंट फिर से हमने अर्न कर लिया, चलो एक बार देख लेते हैं टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स आ चुके हैं। वेट, एक है पेंटिंग में, ओके क्लीनिंग में है, चलो एक है डिमोलिशन में, उसमें हम लोग स्ट्रेंथ ले लेते हैं, और एक है नेगोशिएशन में, तो अभी सिर्फ थोड़ा ही बाकी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ पे कहीं पे तो क्लीनिंग बाकी है, चलो उसको भी क्लीन कर देते हैं फटाफट से, और ये हो गया डन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले रूम में, और देखते हैं कि क्या क्या हमें हटाना है। सबसे पहले तो ट्रैश हटा देंगे, ओके यहाँ पर तो सिर्फ ट्रैश था, बाकी का कुछ सामान है नहीं। अंडर कंस्ट्रक्शन काम है और ये सब छोड़कर चले गए यहाँ से, इसीलिए ये का सब ऐसा का वैसा, क्योंकि सीमेंट बैग्स भी पड़ी है,
कुछ है, पर चलो कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट सब ट्रैश तो मैंने हटा दिया ये वाले पैसेज से। भी सिर्फ क्लीनिंग करना है तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, फटाफट क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। से थोड़ा गंदा हुआ है, बाकी ऊपर से तो बहुत ही अच्छे से ये लोग ने रखा हुआ है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले रूम में, और यहाँ से मुझे सब सिर्फ कूड़ा हटाना है। चलो ये हट चुका है, और अभी इसको यहाँ से क्लीनिंग करते हैं स्टार्ट एक के बाद एक। मकड़े के जाले हैं यहाँ पर, तो ये चलो निकल चुके, बहुत बढ़िया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, डर्ट हम लोग को निकालना है यहाँ से, इस वाले रूम से। चलो और ये हो चुका है डर्ट, और फाइनली हम आ चुके हैं न्यू रूम में फिर से। चलो फटाफट से सब सामान हटा देते हैं एक के बाद एक। चलो ये हो चुका है कंप्लीट। अच्छा गाइस एक चीज़ आपने मार्क किया, इधर कॉकरोचेस नहीं थे, वो बहुत ही अच्छी बात थी। बहुत बढ़िया ना, कोई कोई जगह पे इतने कॉकरोचेस होते हैं कि निकलते ही नहीं है, पर यहाँ पर एक अच्छा था कि कॉकरोचेस नहीं थे। ब्रोकन ग्लासेस ज्यादा है यहाँ पे। और फाइनली गाइस यहाँ पर सब कुछ मैंने हटा दिया है, अब बारी है सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग की, तो चलो क्लीनिंग करते हैं स्टार्ट। ओके अभी से भी वॉल्स में जितना भी लिखा हुआ है मकड़ी के जाले सब कुछ मैंने हटाना है, और फिर ये हो जाएगा ऑलमोस्ट डन। यहाँ से पर एक ऊपर है, चलो ये हो चुका है क्लीन अच्छे से। बढ़ते हैं आगे, ओके यहाँ पर है थोड़े बहुत मकड़ी के जाले, और यहाँ पर बाय ऑब्जेक्ट्स करने, तो सबसे पहले तो है चलो वो देख लेते क्या है। दो टेबल रखने हैं, तो इसको तो मैं सोच रहा हूँ इस बार बीच में ही रखते, एक यहाँ पर आएगा और एक रख देते यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा इसको अंदर ले लेते। चलो फटाफट से, एक
एक है कॉफी मेकर मशीन, चलो इसको तो यहाँ पर ही लगा देते हैं कंप्लीट। और अब बारी है लैंप्स, दो लैंप चाहिए इनको, एक इस दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं और एक लगा देंगे यहाँ पे। चलो ये हो चुका है डन, और ये लाइट्स कर दिए मैंने ऑन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूम में, और ये मैंने कर दिया है कंप्लीट। ये शायद मेन डोर है, अब चलना है हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट, क्योंकि ये वाला एरिया है और इसमें सिर्फ मुझे सब सामान निकालना है। तो सोच रहा हूँ क्यों ना एक गन ली जाए। चलो कंप्लीट, अब कहाँ पर बाकी है, शायद से तो कहीं पर भी नहीं है, एक डर्ट है इसको रिमूव करना है। रिमूव ट्रैश 99%, तो भाई 1% कहाँ पर है देखना पड़ेगा, शायद ऊपर हो क्योंकि यहाँ पर लैडर लगाई हुई है, एक बार ऊपर चढ़कर देख लेते। बट यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, अगर फ्लैश मार के ऊपर से देखते हैं। चलो कुछ नहीं है, एक बार नीचे उतर लेते फटाफट। ओके गाइस, फाइनली ये हो चुका है डन। कर देते हैं कंप्लीट जॉब, देखते हैं बिफोर आफ्टर इमेजेस। ओके, फाइनली गाइस मैं फिर से आ चुका हूँ मेरी इस छोटी सी ऑफिस, और कर दोनों मिक्स है ये, और अपना बैंक बैलेंस हो चुका है 1,74,564 डॉलर्स। तो चलो गाइस, फाइनली इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।